सरसेना इंटर कॉलेज के मीटिंग हॉल में कोरोना जैसी महामारियों को लेकर यशो विनोद तिवारी चिरैया कोट चौकी इंचार्ज दल प्रताप सरसेना चौकी पुलिस सीओ मोहम्मदाबाद एसडीएम मोहम्मदाबाद के लोग सरसेना ग्रामवासियों को सतर्क रहने की बात कही और यहां तक बताया कि इस बीमारी से कैसे बचाव किया जाए। मनोज सिंह की रिपोर्ट। और आप लेकर के पानी पी लेते हो, लेकिन जब आपको ये रोग आ जाएगा तो हर चीज आपको उठा करके करना है। अपने कपड़े को भी आपको अपने ही साफ करना है, कोई वहां जाकर के साफ नहीं करेगा। इसलिए ये समझ लीजिए कि आप जब भी आप यह बीमारी उन व्यक्तियों को ज्यादा आक्रामित करती है, ज्यादा बीमार वही व्यक्ति होता है जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अगर खान पान उसका सही है, सही रूप से वो सब्जी खाता है, सही रूप से हम लोग आपके बीच इकट्ठा हुए केवल ये जानकारी देने के लिए कि कोरोना में आपको क्या सावधानी बरतना है। सीओ साहब ने और इंस्पेक्टर साहब ने बहुत विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी, हमें दो तीन बातें कह दी। एक बात यह है कि आपके अंदर जो है ना, शुरू में आप सोचे तो लोग जो है कहीं पे कोई बदबू या गंदगी होती थी तो आप मुंह में जो है कपड़ा तुरंत रख लेते थे। क्यों रख लेते थे? इसलिए रख लेते थे कि ये गंदगी अगर हमारे दिमाग में जाएगी, बदबू जाएगी तो हमें बीमारी हो सकती है। उसी तरह के कमोबेश ये जो हवा में ऐसा है कि अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, मीटिंग कर रहे हैं और उसके क्रम में जो है बीमारी होती है। दूसरा गांव के लोग कहते थे कि हिने पावा 36 रोग, मतलब तो वहां पे भोपालपुर गांव है तो वहां पे सरचों का नंबर दे दीजिए, मैं बता दूं 3967 कि आप लोग जो है चिरैया कमजोरी को कैसे 3967 समय से नाश्ता करें, जो भी घर में उपलब्ध है वो खाएं, चना खाएं, मक्का पिए, रोटी खाएं। दूसरी चीज ये है कि सरकार का आदेश है, सुबह धूप जरूर लें।